जंगल सत्याग्रह और संघ। देश स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में संघ का योगदान क्या है, इस वीडियो में हम इसका उत्तर ढूंढने और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में लिए गए तथ्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभिलेखागार में स्थित मूल प्रलेखों, तत्कालीन केसरी और महाराष्ट्र, इन दो मराठी पत्रों पर आधारित है। स्वतंत्रता संग्राम में संघ का योगदान जानने के लिए सबसे पहले हमें आद्य सर संचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के योगदान और उनकी राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण वैचारिकी को समझना चाहिए। स्वतंत्रता कब और कैसे मिलेगी, यह प्रश्न सर्वत्र जब पूछा जा रहा हो, तब हम पराधीन क्यों हुए और हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण कैसे रहे, इस प्रश्न का न केवल मूलभूत चिंतन बल्कि इस पर उपाय भी डॉक्टर साहब ने आरंभ कर दिए। हिंदू समाज की आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर उनका जोर और सारा ध्यान केंद्रित था। जंगल सत्याग्रह की पृष्ठभूमि, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। अंग्रेजों द्वारा बनाए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने इसी दिन दांडी यात्रा शुरू की थी। कर्णावती के साबरमती आश्रम से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था, जो अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में विरोध का एक बड़ा संकेत था। 24 दिनों में 241 मील की दूरी तय करते हुए गांधी जी और उनके साथ 79 सत्याग्रहियों ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र किनारे पर चुटकी भर नमक उठाकर नमक कानून की अवज्ञा की। इस आंदोलन ने समस्त देशवासियों का ध्यान खींचा। अब देश भर में लोग कढ़ाइयों में समुद्र जल से नमक तैयार करने लगे। कानून की अवज्ञा करने के कारण देश भर में 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दिनों संघ का कार्य मध्य प्रांत में ही प्रभावी हो पाया था। यहाँ नमक कानून के स्थान पर जंगल कानून तोड़कर सत्याग्रह करने का निश्चय हुआ। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के सर संघ चालक का दायित्व डॉक्टर लक्ष्मण वासुदेव परांजपे को सौंप स्वयं अन्य स्वयं सेवकों समाज जनों के साथ सत्याग्रह करने गए। सत्याग्रह हेतु यवतमाल जाते समय पुसद नामक स्थान पर एक जनसभा आयोजित की गई और डॉक्टर हेडगेवार ने फिरंगी हुकूमत से देश को स्वाधीन कराने के लिए प्रेरणादायी भाषण दिया। ब्रिटिशों ने 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया था, जो खासकर मध्य प्रांत और बरार के किसानों के लिए मारक साबित हुआ था। तो बरार और मध्य प्रांत में ऐसा तय हुआ कि जंगल सत्याग्रह किया जाएगा और उसका प्रारंभ केंद्र यवतमाल जिला के पुसद गांव से होगा और वो 10 जुलाई 1930 से इसका प्रारंभ होगा, ये तय हुआ। इसके पहले ही संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने ये निश्चित किया था कि मैं इस जंगल सत्याग्रह में भाग लेने जाऊंगा। तो 20 जून 1930 को सभी संघ स्वयंसेवकों को लिखे पत्र में उन्होंने ये सूचित किया कि वे जंगल सत्याग्रह में भाग लेने जा रहे हैं और सरसंघ चालक पद का जो दायित्व है उनके स्थान पर डॉक्टर लक्ष्मण वासुदेव परांजपे ये वहन करेंगे। जंगल सत्याग्रह के चलते ही डॉक्टर हेडगेवार को 9 मास का सश्रम कारावास भी हुआ। यह जानना और समझना आवश्यक है कि देश को स्वतंत्रता किसी एक दल, एक परिवार, एक व्यक्ति, एक समुदाय विशेष के प्रयासों से नहीं बल्कि समूचे देशवासियों के संयुक्त प्रयासों से मिली है। स्वतंत्रता संग्राम की बलि बेदी पर आहुति देने वाले देशभक्तों की कतार बहुत बड़ी रही है। एक विशेष नैरेटिव के तहत एक परिवार और दल विशेष के योगदान की ही चर्चा होती है, जो कि अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अन्याय है। इसलिए स्वाधीनता संग्राम में संघ के योगदान को जन जन तक पहुंचाने में हम सबकी भूमिका होनी चाहिए।